Good morning, students. How are you? I hope you all fine. So, today's your Hindi class. आज आपकी हिंदी की क्लास है बच्चों. It's rhyme time. और ये हिंदी की rhyme time है ना बच्चों. This is your Hindi rhymes book. Mix of rhymes. ये आपकी rhymes की book है ना बच्चों. आज हम लोग poem पढ़ेंगे. So, इससे पहले मैम ने आपको कौन सी poem learn कराई बच्चों? Rail. उड़ी पतंग. आप लोग को तो बहुत अच्छे से लर्न हो गई है ना. सो आज हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे डाकिया. आज की कविता है डाकिया. सो बच्चों, डाकिया किसे कहते हैं? जो लेटर लेके आता है घर पे ना हमारे, उसे डाकिया कहते हैं. डाकिया कैसे रंग के कपड़े पहनता है? खाकी रंग के कपड़े पहनता है ना. देखो उसने कैप लगाई हुई है, एक बैग भी लिया है ना. उसमें क्या रखा हुआ है? देखिए चिट्ठियाँ रखी हुई हैं. डाकिया क्या लाता है? चिट्ठी लाता है ना बच्चों. इसने हाथ में भी चिट्ठी पकड़ी हुई है ना. और यहाँ पे देखिए ये कुछ बच्चे अपनी मम्मा के साथ खड़े हैं ना. क्या वेट कर रहे हैं? डाकिया कुछ लाया है इनके लिए, है ना बच्चों. चलिए हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं. देखो देखो डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया. पहने है वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े. चिट्ठी में संदेश आया, शादी में है हमें बुलाया. सो बच्चों, अगेन रिपीट विथ मैम. देखो देखो डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया. पहने है वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े. चिट्ठी में संदेश आया, शादी में है हमें बुलाया. सो बच्चों, आप लोगों को ये पोएम अच्छे से लर्न करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस कविता में बच्चे क्या कह रहे हैं? डाकिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि देखो देखो डाकिया आया है और मैं क्या लेके आया, एक थैला लेके आया है ना, और खाकी रंग के कपड़े पहन के आया है, और चिट्ठी में संदेश लाया है. चिट्ठी क्या होती है बच्चों? जिसमें संदेश लिखा रहता है ना. तो ये क्या लाया है? शादी का संदेश. किसी की शादी में जाना है ना, उसके लिए वो चिट्ठी लाया है. ओके स्टूडेंट, सो आप लोग इस पोएम को अच्छे से लर्न करेंगे.